many other things which is essential to the students. So, what else are you going to do? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मारुति में जो ट्रेड एलिजिबल होते हैं ट्रेड, सबसे पहले ट्रेड की बात करें तो आप इलेक्ट्रीशियन रेड किसी का है, इलेक्ट्रीशियन रेड नहीं चलती है मारुति के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया आपका, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, प्लम्बर हो गया, ये ट्रेड मारुति के लिए नहीं चलती है। मारुति के लिए आपका 40% प्लस चाहिए, 40% बेलो चाहिए आपका। 40% अगर आपका कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे, मारुति सूची में एलिजिबल नहीं हो। एज की बात करें, एज भी आपका 18 से लेकर 26 तक होने चाहिए, एज आपकी 18 से 26 होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो भी आप एलिजिबल नहीं होगे, अगर कम है तब तक भी एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। ट्रेड की बात करें, फिल्टर वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ऐसे और सारे ट्रेड हैं जो मारुति लेती है। और कोई ट्रेड नहीं है जैसे आपका ना हो इलेक्ट्रीशियन छोड़ के, इलेक्ट्रीशियन तो नहीं है किसी का, ठीक है। मारुति आपको 7 मंथ के लिए ले जाती है, 7 मंथ के आपके कार्य के दौरान अगर आपका फीडबैक अच्छा रहता है तो फिर से 5 मंथ का गैप रहता है, 5 मंथ के गैप होने के बाद आपको फिर 7 मंथ के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। वो आपके बेस और परफॉर्मेंस के ऊपर होता है कि आपने कैसा काम किया है, कैसा फीडबैक बना के रखा है कंपनी में, ठीक है। इन 7 मंथ के दौरान आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है CTC रहती है, अभी 29,290 थी, अब आपकी बढ़ चुकी है 30,800 रुपये हो चुकी है, CTC 30,800 रुपये हो चुकी है। अब आपको इन एंड 27,000 प्लस मिलेंगे, 27,000 प्लस मिलेंगे आपको, ठीक है। पहले आपको 29,000 थे तो आपको 25,000 मिलते थे इन हैंड, अब आपकी सैलरी CTC हो गई है 30,800 रुपीज, तो आपको 47,000 इन हैंड मिलेंगे, ठीक है। 27 इन हैंड मिलेंगे। हर गवर्नमेंट फेस्टिवल पे आपको छुट्टी दिया जाता है, हर सप्ताह एक रविवार को आपको छुट्टी रहती है, ठीक है। कंपनी में आपको 2 टाइम चार्ज में 1 टाइम लंच दिए जाते हैं, जो कि 1 दिन का चार्ज होता है 11.25 रुपए। जब आप लंच लोगे तभी आपका पैसा कटेगा, अगर नहीं लंच लोगे तो पैसा आपका नहीं कटेगा, ठीक है। 1 दिन का आपका कंपनी का चाय स्नैक्स और लंच मिला के 11.25 रुपए करते हैं। कंपनी में 7 मंथ के दौरान आपको 12 छुट्टी दी जाती है, ठीक है। 7 मंथ के दौरान आपको 12 छुट्टी दी जाती है। कोई डाउट और एनीवे कोई क्वेश्चन? डॉक्यूमेंट एक बार आपको बता दें, डॉक्यूमेंट हमें वही चाहिए जो आपके 10th के मार्कशीट में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके नाम, फादर नेम, ITI, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होने चाहिए, ठीक है। सेम लेटर सेम स्पेस के साथ, जैसे आपके 10th के मार्कशीट में आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ है, सेम चीज आपके ITI पे, आपके आधार कार्ड पे और आपके पैन कार्ड पे वही नाम होना चाहिए, क्लियर? और कोई दिक्कत? एज के लिए आपको बहुत ध्यान देना जिसने एक बार मारुति में काम कर लिया है, TWCW या फिर गुजरात में काम कर लिया है, सुजुकी मोटर में काम कर लिया है, तो यहाँ मारुति के लिए नहीं होगा। TW आपने काम कर चुके हैं, आपका 1 हो चुका है, आपको कंपनी से कॉल आएगी दोबारा TW2 के लिए, ठीक है। बस ओनली हायरिंग के TW1 की हायरिंग हो जाती है, TW2 की कॉलिंग कंपनी से आती है, उनकी ज्वाइनिंग कंपनी से होती है, उनके फीडबैक के हिसाब से, ठीक है। जिसने एक बार अगर सुजुकी मोटर गुजरात में काम कर लिया, SMG में काम कर लिया या फिर वहाँ गुड़गांव में काम कर लिया, दोबारा नहीं जा सकता बंदा, ठीक है।